सबर के बगैर तू कभी नहीं पहुंच सकता वहां तक। बेटा तू किताबों के समंदर भी अगर अपने अंदर उतार लेगा, अगर सबर नहीं है तेरी जिंदगी में, सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर के तकब्बुर के खिलाफ, सबर अपने नफ्स के अंदर हसद के खिलाफ, सबर अपने नफ्स की कलाबाजियों के खिलाफ, सबर अपनी रूह की गुलाटियों के खिलाफ, सबर अपने दुश्मनों की अदावतों के खिलाफ, सबर अल्लाह की मदद के इंतजार में वो सबर, आसमान के दरवाजे खुलने तक का सबर, दुश्मनों की तनकीदों हासिदीनों की हकद और हिकत के खिलाफ। जब तेरा गीत बिक नहीं रहा होगा और मार्केट में तुझे सुनने वाले लोग नहीं होंगे, सबर उन वक्तों का जब तेरा अपना आप तेरे पे भरोसा नहीं करता होगा, जब दुनिया में तुझे सुनने के लिए एक कान नहीं होंगे, सबर जब गैरों के बजाय अपने तेरा इंकार कर देंगे, सबर जब रास्ते खुल ही नहीं रहे होंगे, सबर उन तन्हाइयों में जो दुनिया की हर बड़ी हस्ती को नसीब हुई जिस दिन उसने सच का कलमा बोला, सबर जब लोग साथ नहीं आ रहे होंगे, सबर जब आ रहे होंगे मगर उसमें मुनाफिकीन होंगे, सबर जब लोग आ रहे होंगे मगर डंगर डंगर किस्म का जहन होगा उनका, बेढंगे बदतहजीब बदतमीज इनडिसिप्लिन्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड पीपल इन दिस वर्ल्ड। सबर जब उम्मीद को पकड़ोगे तो खौफ हाथ से निकल जाएगा, सबर के जब डर संभालोगे तो उम्मीद निकल जाएगी, उम्मीद पकड़ोगे खौफ पकड़ोगे तो मोहब्बत दामन छोड़ देगी अपना, मोहब्बत पकड़ेगा उम्मीद संभालेगा खौफ को हैंडल करेगा, इंसान का ईमान और भूख की जवाब दे जाएगी मर्तबों और मकामों में पहुंचने के लिए। सबर शक की वादियों में सबर, डाउट्स की वादियों में सबर, शुभात की वादियों में सबर, उन अंधेरे गढ़ों का सबर जब ना यहाँ का कुछ समझ आ रहा होगा ना यहाँ का कुछ समझ में आ रहा होगा, सबर जब मंजिलों का तायुन नहीं होगा, सबर जब दुश्मन तायुन नहीं हो रहा होगा, सबर जब दोस्त दुश्मन की तफरीक नहीं कर पा रहा होगा, सबर जब वल ही नहीं आता होगा कामों को करने का, सबर अपने इल्म की बदमाशियों पे सबर, सबर मकामों में पहुंच के फिरौन बनने से बचने का सबर, सबर लोगों की शोहरत में मकबूल होने से बचने का सबर, सबर लोगों को हकीर करने का सबर, कमजोरों के ऊपर तकब्बुर करने का सबर और ताकतवरों से मगलूब और मरूब होने से बचने का सबर, सबर जब घर वाले साथ नहीं होंगे, सबर जब सीने पे नहीं कमर छल्ली होगी क्योंकि तूने अपने आप को रेवड़ से हट के डिफाइन किया है, सबर जब चीजें बनती होंगी मगर सुबह बिखर जाती होंगी, एक सिरे को पकड़ता होगा तो दूसरा ही सिरा हिल जाता होगा, अपने नफ्स की गंदगी और गलाजत को देखने का सबर, अपनी बदतमीजियों पर सबर, अपने मजाक के ऊपर सबर, लोगों के मजाक पर सबर, दुश्मनों के इस्तेज़ा पर सबर, लोगों की तनकीद पर सबर, तेरी डिफेमेशन और तेरी इज्जतों को उछाला जा रहा होगा उन हालात का सबर, वो सबर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैद में काटा बेटा कि जब एक औरत ने उनकी इज्जत लूटनी चाही और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेल में चले गए, यूसुफ की उस कैद का सबर, वो सबर जब सदियों के बाद अल्लाह की उस मासूम मखलूक ने जेल से निकलते हुए उस कैदी को कहा कि तू हाकिम को जाके कहीं कि एक औरत ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था, वो बाहर जाके रंगरलियों में भूल गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तुझे भी लोग भूल जाएंगे बेटा, उन वक्तों का सबर जब तू महफिल की जान नहीं होगा, माशरे की शान नहीं होगा, मसनूई ख्यालात और मसनूई नजरियात की अब बागडोर तेरे हाथ में नहीं होगी, ये जमीन की चमक और ये शशकों की जब तू इनका इनकी लीडरशिप और इनकी पदीराई नहीं कर रहा होगा, उन तन्हाइयों का सफर, गुमनामी का सफर और उस गुमनामी में सफर। वो कहते हैं अंग्रेजी का मकूला है, द हार्डेस्ट वॉक यू कैन मेक इज द वॉक यू मेक अलोन, दुनिया के सबसे मीनिंगफुल सफर, दुनिया के सबसे गहरे सफर, दुनिया के सबसे रिसोर्सफुल सफर तन्हाई में किए जाते हैं। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना बनने के अंदर वो सबर, अपनी नफ्स को सच बोलने का सबर, अपने अंदर की गलाजत को देखने का सबर, ये देखने का सबर कि मैं एक इंसान से उलाई का कल अनाम जानवर बन चुका हूँ, और एक जिंदा इंसान से अब अमन का ना मैतन मुर्दा बन चुका हूँ, और एक इंसान ही नहीं रहा, इंसान होते हुए अपनी हैवानियत को देखने का सबर, फिर उस हैवान को इंसान बनाने का सफर और उस पर सबर, फिर इंसान से अपने आप से मुलाकात करने का सबर,
फिर अल्लाह से मुलाकात करने का सबर, फिर आसमान वाले की तरफ हिजरत करने से वापस दुनिया में आने का सबर, फिर अपने दुश्मनों को ललकारने का सबर, सच का कलमा उन गंदगी और गलागतों से पाक होने के बाद निकालने का सबर, ताइफ की वादियों में उन पत्थरों का सबर, कराए के टट्टू और कराए के बदमाश और गुंडे जब हक की तरफ आवाज उठाएं उन वक्तों का सबर, जब तू मशीन बनाएगा, जब तू आर्टिस्ट बनेगा, जब तू मुख्तलिफ फील्ड में जाओगे और लोग तुम्हारे अंदर के टैलेंट से हसद करेंगे, कोने खांचों में कानों में खुसर फुसर पर सबर, इन्हीं हाथों से इंसान थप्पड़ मार सकता है अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को, हाथ रोकने का सबर, महफिल के अंदर मजाक कर सकता है संजीदगी अपनाने का सबर, और जहां पर बोलने की जरूरत है वहां खामोशी से उन तकरीरों में आने का सबर। बेटा सबर इंसान को इंसान बनाने का पहला आर्टिकल है, पहला उसूल है। हम बेहैसियत फर्द और हम बेहैसियत कौम और हम बेहैसियत जमात और हम बेहैसियत एक इदारा और हम बेहैसियत एक मुल्क आज अगर वहां नहीं है जहां में होना चाहिए था, बेसब्री।